बॉक्सिंग में जब हम पंच मारते हैं तो पंच कैसे बनाना चाहिए, ठीक है? काफ़ी लोग पंच ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे 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 नहीं बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे मार देंगे, ऐसे मैं भी बचपन में सोचता था कि ऐसे किसी को मार दूंगा पीठ पे तो उसकी उज्जर की गाली होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसे बनाते हैं ना ऐसे ही करते रहते हैं। अंगूठा ऐसा नहीं, ये जो आपका अंगूठा है ये वाला थंब, इसको घुमा के ये यहाँ पे लेकर आना है, ठीक, ये पंच होना चाहिए। ये होगा अंगूठे में चोट लगेगी, ये अंदर आएगा तो अंगूठे में चोट लगेगी, देखिए इधर आएगा तो अंगूठे में चोट लगेगी, इसे रहेगा तो पी मुड़ जाएगा आपका अंगूठा। तो ये ध्यान रखना है कि पंच बिल्कुल प्रॉपर ऐसे पड़ता है। अब पंच जब मारते हैं पंचिंग बैग पे या किसी अपॉइंट से खेल रहे होते हैं तो क्या अटैच होना चाहिए, ये जो आपका दिख रहा है तो, जी हाँ, ये दो तो आपके हथियार हैं, ये दो जब पंच मारेंगे घूम जाएगा साम साम, ठीक, यहीं से आपका पंच सही भी होगा, ऐसे होगा। और ये ध्यान रखिएगा, पंच मारते समय पंच आपका हथेली यूँ नहीं होनी चाहिए, यूँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यूँ नहीं होनी चाहिए, पंच बिल्कुल ये होनी चाहिए, ठीक। जब पंच मारो वहाँ सारा फोकस इस पर होना चाहिए, आपके ये है 1 1 2 1 1 2, ओके, ये हे ठीक, सारा फोकस इस पर होना चाहिए, यही आपका हथियार है, तो इस पर फोकस करेंगे तभी अच्छे से पंच मार पाएंगे और क्लियर पंच मार पाएंगे, ठीक है। कि बॉक्सिंग में गार्ड कैसे रखते हैं, ओके, तो गार्ड करने का कई तरीके हैं, जो आपने हमेशा ज़्यादातर प्रोफेशनल फाइट देखी होगी तो उसमें अलग अलग तरीके रखते हैं। मैं अमेचर वाला बताऊँगा कि अमेचर में फाइट करने दौरान गार्ड कैसे होना चाहिए जैसे कि आपको पंच ना पड़े, पॉइंट ना दे सके। सबसे पहले पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है, पहला राइट हैंड आपका यहाँ का टच होगा और ये आपकी सेव करेगा इधर पॉइंट यहाँ का, ओके, गार्ड ये रहेगा, ये हाथ आपका लेफ्ट है जैब वाला हाथ, तो इसके आगे ध्यान रखिएगा नाक के आगे बिल्कुल सीध में ऐसे होना चाहिए और आपकी ये जो नीचे होनी चाहिए हमेशा, तो आप उठाओगे ध्यान से पड़ते पड़ जाएगी पॉइंट दे दो, तो इस वजह से ये गार्ड ऐसे होना चाहिए। साइड से भी देख लीजिए, ये गार्ड होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये स्ट्रेट होना चाहिए ताकि बन जाए, पैरी करे साइड लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डक, ऐसे आराम से कर सके, बन जाए डॉज कर सके और पैरी कर सके, ओके, ये हमेशा साइड का होता है। इस साइड से भी देख लीजिए आप, ये इसे करवाई रहे ये पता नहीं, और आपकी हड्डी नीचे रहेगी हमेशा, ठीक है, ओके, राइट 1 एंड 2, ये हमारा पहला बेसिक बॉक्सिंग गार्ड था। पंच कैसे चलाना है 1 2, ये देख लीजिएगा ध्यान से, कार्ड वैसे ही रखेंगे, ठीक है, हम जैब से स्टार्ट करेंगे, 1 मेरे साथ हाथी मारो वैसे देखिए 1 एंड 2, अच्छा ये 1 मारने के बाद जैब मारने के बाद 2 मारेंगे, ओके, तो ये वाला गार्ड पर वापस आ जाएगा, जैसे ये वाला गार्ड पर वापस आ गया था मारने में ये वाला वापस आ जाएगा, ठीक है, जैसे भी देख लीजिए 1 2। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब आप जैब मारो ये हाथ यहाँ से ही नीचे ना हो, जैसे दिख रहा है ना जी, ये नीचे ना हो, ये जो आपका कंधा है इसी के अटैच है जी, ताकि आपको नॉकआउट बच सके, कि जो अगर नाक पिंच पड़ेगा तो नॉकआउट सकते हो, ठीक, मार का भी ये हमारा यहाँ से भी देखो, ठीक है, फिर से देख लें ये ऐसे ही 2 वाला भी है, 2 मारेंगे सेव कर देंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे ये 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 ये, ओके, होप यू गाइस ऑल समझ गए होंगे सबके सब। और ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं मैं बनाता हूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो फुटबॉल पे लेने के लिए आने वाला हूँ, फुटबॉल कैसे करें और पावर पंचेस कैसे मारें, ठीक है, थैंक यू सो मच।